saiyo. Suraj Bhav Jindabad! 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 Suraj Bhav जिंदाबाद सूरज भाव जिंदाबाद आई बाहर लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं सुनो ना आई क्यों ना दोबारा तुम साई के लिए लड्डू बना दो आई देखो आई आई मैं बूंदी ले आया हूं अगर तुम जल्दी से लड्डू बना दोगी तो साई के भोजन के समय से पहले मैं उन्हें पहुंचा सकूंगा लीजिए सूरज भाव, आपकी हिम्मत के बारे में सुनकर हमारे साथ और भी मजदूर जमा हुए हैं। सूरज भाव, लेकिन कल पहली बार कुलकर्णी के मुंह पे डर दिखा और अब तो हम भी नहीं डरते कुलकर्णी सरकार से। साई ने कहा है कि मजदूर द्वारका माई में हैं और वहां से फिर मिल जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने के लिए बात होगी। लेकिन सूरज भाव, हमने तय किया है कि हम सब आपके साथ रहेंगे। साईं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये साधु संत की बात, ये अहिंसा की बात, कुलकर्णी जैसे चोर लुटेरे आज तक नहीं समझ पाए, तो अब क्या समझेंगे? जो जैसा है, उसके साथ फैसला ही करो, यही दुनिया का नियम है। बिल्कुल सही कहा सूरज भाव। सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद, सूरज भाव जिंदाबाद। मेरे नाम के नारे लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो कसम खाओ या बातें नहीं कुछ कर गुजरने का समय है। अन्याय के खिलाफ अब आवाज नहीं हथियार उठेंगे। राजी हो? बचाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें आज। मुझे माफ कर दो। चेतन उठ। चल जा घर से मेरे लिए पानी लेकर आ। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो बोला है वो कर। मैं क्यों लेकर आऊं पानी? नहीं लाएगा तो मारूंगा। बैठ नहीं। अगर तू मुझे मार सकता है तो मैं भी तुझे मार सकता हूँ, ये मत बोल तू। अच्छा नहीं मारता। नहीं चेतन रुको। सुनो मुझे। चेतन मुझे भी प्यास लगी, क्या तुम मेरे लिए पानी लाओगे? अभी लाया प्रहलाद। चेतन जरूरत नहीं है। साई ने देखा तुम सब जो कर रहे थे और उससे प्रहलाद को भी बहुत दुख हुआ, इसीलिए साई ने एक जरूरी बात समझाने के लिए मुझसे नाटक करने को कहा। मार्तंड ने हिंसा करके अपनी बात मनवानी चाहिए, लेकिन चेतन नहीं माना और प्रहलाद ने इससे प्यार से पानी लाने को कहा,
वह तुरंत मान गया। यही फर्क होता है हिंसा और अहिंसा में। बच्चों को हिंसा कोई उपहास का विषय ना लगे, हंसने हंसाने का विषय ना लगे, यह समझाना बड़ों की जिम्मेदारी होती है। अगर बड़े ही उनके उपहास में हंसने लगे तो बच्चे हिंसा की गंभीरता को कभी नहीं समझेंगे और ना ही अहिंसा की अहमियत को। ऐसे बच्चे जिस भी समाज में पलेंगे उस समाज में हिंसा को साधारण समझा जाएगा। तो साईं, क्या आपको लगता है सूरज दादा ने गलत किया? लेकिन सूरज दादा तो गरीबों के लिए लड़ाई कर रहे, गरीबों के हक के लिए। उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा करने का रास्ता सही होना बहुत जरूरी है। भय और हिंसा से हमें ऊपर ही ऊपर भले ही लगे कि समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन वो हमारा भ्रम होता है। समस्या का समाधान तभी संभव है जब उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। समस्या को भी करुणा और संवेदना की नजर से देखा जाए। हिंसा केवल हिंसा को ही जन्म देती है और जहां हिंसा हो उस समाज में स्थिरता संभव ही नहीं है। हिंसा अहंकार का प्रमाण है और अहिंसा अहंकार के ना होने का। अंधकार अहंकार का पर्याय है क्योंकि अहंकार में अंधकार की तरह कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया कि जब कुलकर्णी सरकार के घर पर हमला हो रहा था तब उसमें तुम्हारा दोस्त भी शामिल था। कल इसे भी कुछ भी हो सकता था। हमें माफ कर दो प्रहलाद, हमें माफ कर दो प्रहलाद। हम समझ गए साई, लेकिन साई हमारे परिवार के भी कुछ लोग मिल में काम करते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें साई? मैंने चंदू से संदेश भिजवाया था, आज शाम 4 बजे सब द्वारका माई आए, उसके बाद शांति प्रदर्शन के लिए हम वहां से मील तक पदयात्रा निकालेंगे। देख लिया आपने, घर का जो किया सो किया, लेकिन घर की बहू बेटियों को बच्चों को भी इतना डरा दिया रात भर सो नहीं पाए वो लोग। हाँ, इतनी तोड़फोड़ की है साई ने यहां आकर, मेरी तो जान जाते जाते बची है। वो और उसके भक्त, आंखें बंद करती हूं तो भी वही सारा दृश्य घूमता रहता है। और मेरा बेटा, वो तो इतना डर गया है, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा सामान्य हो पाएगा। लेकिन मैंने जो साई के बारे में सुना है, एक बूढ़ा आदमी इतना बड़ा वायलेंस कर सकता है? आई डोंट बिलीव इट। सर, यही तो कारण है वो हर बार बच जाता है। लेकिन अगर आपको असलियत खुद अपनी आंखों से देखनी है तो 4 बजे आप खुद द्वारका माई जाइए, सब सबूत मिल जाएंगे आपको। खिलाफ अब आवाज नहीं हथियार उठेंगे।
विशाल अब तू भी खाना खा ले। क्या है? हाँ, कल रात से देख रहा हूँ मैं, तुम मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा है। आज जब मजदूर लोग आपके नाम के नारे लगा रहे थे तब आई अचानक से चौंक उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आई को वो नारेबाजी याद आ गई जो बाबा के लिए हुई करती थी हमारे घर के बाहर। बस फर्क यही है दादा, बाबा के लिए लोग इसीलिए नारे लगाते थे क्योंकि वो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। लोग उन्हें साधु और संतों जैसा सम्मान देते थे। लेकिन आपके नाम के नारे लोग इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि कल रात आपने किसी के घर हमला किया था और अपने साथ ही साथ दूसरों को भी हिंसा के लिए उकसा रहे थे। वो तो मैंने आई को रोक लिया और उन्होंने आप में से किसी को भी लाठियां उठाते नहीं देखा। अगर आई देख लेती तो उन पर क्या बीतती? कैसे दादा, बाबा के बेटे होकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाबा के दिए गए शिक्षा, उनके संस्कार सब भूल चुके हैं क्या आप? बाबा के बारे में मुझे मत सिखा। बाबा के आदर्शों से बाबा को क्या मिला? जान से मार दिया उन्हें हमारे सामने और हम अहिंसा का पाठ पढ़ के कुछ नहीं कर पाए। ये दुनिया अहिंसा पे चलने वाले लोगों को कमजोर समझती है लेकिन मैं कमजोर नहीं। विशाल तू पागल हो गया क्या? आई से कलम की छीना? तू जानता है ना आई के लिए इस कलम की क्या कीमत है? इस कलम का कोई महत्व नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इस कलम से तो बाबा उस अखबार के लिए लिखते थे जिसमें वो अंग्रेजों से लड़ने की बात किया करते थे लेकिन अहिंसा को माध्यम बनाकर। लीजिए दादा, इसे तोड़ दीजिए। जब आप बाबा के आदर्शों को, उनके सपनों को तोड़ आए हैं, ये तो कलम है। जब बाबा की यादों को छोड़ आए हैं कहीं दूर तो फिर इस कलम की क्या कीमत आपके लिए? इसे आप नहीं तोड़ेंगे दादा तो मैं तोड़ दूंगा। पागल हो गया क्या विशाल? भूल गया तू कि बाबा के जाने के बाद मैं उनके ही आदर्शों पे चला लेकिन बदले में? जानता हूं दादा, लेकिन आप अपना नहीं कम से कम आई का तो सोचिए। आज भले ही उन्हें कुछ ना समझ आता हो लेकिन जब वो ठीक होंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं तो उन्हें दुख नहीं होगा। मेरी हिंसा लोगों की भलाई के लिए है विशाल, उनके हक के लिए लड़ा हूं मैं। जब आई को ये पता चलेगा तो वे मेरा साथ जरूर देंगे। आई कभी हिंसा का साथ नहीं देंगे दादा और ना ही मैं। मैं फिर से याद दिला दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। साई, हम तो शांति और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे लेकिन क्या बलवंत जी और कुलकर्णी सरकार पे उसका असर होगा? सूरज ने तो शुरुआत में कोशिश की भी थी लेकिन उसका परिणाम सब जानते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निकल पड़ना कठिन है लेकिन उससे भी कठिन है उस मार्ग पर डटे रहना, खासकर जब चुनौतियां सामने हो, जब समय लगे। जो उस मार्ग पर डटा रहा, जो उस मार्ग पर डगमगाया नहीं, उसकी विजय निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हम एक हैं
हम में से कोई भी बहकावे में नहीं आया तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप आगे नहीं जा सकते। कारण जान सकता हूँ? हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट है। कल रात को जो कुलकर्णी सरकार के घर पर हमला हुआ है उसमें आप भी शामिल थे, और हमें यह भी खबर मिली है कि आज भी आप हिंसा का इरादा लेकर ही मिल में जा रहे हैं। सच्चाई यह है इंस्पेक्टर साहब कि हम शांति से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ। मैं तो कंफर्म करना चाहता हूँ ताकि वायलेंस न हो, इसीलिए हमें आपके भक्तों की तलाशी लेनी होगी। चेक करो। जी सर। तो सुनो आपकी योजना क्या है। खबर यह है कि जिन मजदूरों को काम से निकाला गया है उनमें से कुछ मजदूर सूरज के साथ हैं और बाकी सारे उस साई के साथ हमारे मिल के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि सूरज के साथ जो मजदूर हैं उनमें कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें मैं पहले ही खरीद चुका हूं। राजी है। फिर ये कि जब वो फकीर अपने मजदूरों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए निकलेगा तो उनके साथ मेरे खरीदे हुए मजदूर भी शामिल हो जाएंगे हथियारों के साथ, और इधर हम पुलिस को बता देंगे कि साईं का उद्देश्य शांतिपूर्ण नहीं लग रहा है, वो हिंसा फैलाना चाहता है। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों की तलाशी लेंगी तो मेरे खरीदे हुए मजदूरों के पास वो हथियार बरामद होंगे। वो लोग जब पकड़े जाएंगे तो सब सोचेंगे कि सूरज ने ही ऐसा करवाया है अपने साथियों को भेजकर, और जैसे ही सूरज की वजह से उस फकीर को अरेस्ट किया जाएगा फकीर के भक्त गुस्से में आकर सूरज को जान से मार देंगे। हरिओम। हाँ हरिओम।
साहब ये देखिए सर, देखिए दरोगा साहब, हमें नहीं पता ये सब क्या है। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना था। इंस्पेक्टर साहब, साई ने इंसल्ट तो बहुत की थी आपकी उस दिन। जिस तरह से वो सूरज को लेकर गए थे आपकी हिरासत से। देखिए आज तक कोई भी साई को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया है, लेकिन इस बार खबर पक्की है, साई हिंसा करने की योजना बना चुका है। इस बार आप जब साई को रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे सबूत के साथ, तो आपका प्रमोशन पक्का, मेडल भी पक्का, और साई के साथ साथ उस सूरज को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। बाकी जो कुछ भी संभालना है मैं संभाल लूंगा। कमिश्नर साहब से बात करूंगा आपके बारे में। इन सब के लीडर तुम हो साईं, इन सब का जिम्मेदार तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूं।